अरविंद केजरीवाल ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया। संदीप पाठक है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब क्या तैयारी है चुनाव में जाने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केंद्र पर भी कहीं ना कहीं निशाना है। निश्चित रूप से ये जो सारे षड्यंत्र हुए हैं, दिल्ली आज जिस परिस्थिति से गुजर रही है उसका कारण तो केंद्र सरकार है, मोदी जी है, तो उनको भुगतना तो पड़ेगा जो उन्होंने कर्म किए हैं वो। लेकिन क्या मकसद क्या है, क्या दिल्ली के अलावा आगे फोकस है, क्या अपनी आप जड़ों और मजबूत करने की तैयारी है? क्योंकि सवाल पहली बार हमने देखा कि आरएसएस के जरिए अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार पर प्रहार ऐसा है कि जो उनकी करनी है वो तो उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ। पर हर वो एक संस्था जो उनको समर्थन दे रही है, आरएसएस अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, देश के नाम पे कैंपेन चलाते हैं, लेकिन ये जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं वो तो गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। देश के साथ चुने हुए प्रजातांत्रिक सरकारों को गिराना देश के साथ गद्दारी है। तो क्या आरएसएस ये स्पष्ट करेगी कि वो एक ऐसी पार्टी को समर्थन करेगी जो उनके ही नियमों को फॉलो नहीं कर रहे है? ये तो आरएसएस को क्लियर करना पड़ेगा। और रहा सवाल कि अभी दिल्ली का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, हम एक नेशनल पार्टी है, तो बड़ी स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है कि हर जगह पर ये फैलेगी। राम और लक्ष्मण मंच से नजर आए हमें, मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो लक्ष्मण की तरह राम के साथ रहेंगे। देखिए, हमारी पार्टी में जिस तरीके का आपसी प्रेम है, मुझे नहीं लगता दूसरी पार्टी में किसी का और ऐसा प्रेम होगा। और केजरीवाल जी और इनकी जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इनको नजर न लगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पाठक। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, इसे नजर न लगे। और यहाँ पर एक बड़ा प्रहार अरविंद केजरीवाल का मंच से। अब देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति, देश की राजनीति में क्या बदलाव करने की तैयारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कैमरामैन अली जायसवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।